मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर अभिवादन करता हूँ। आज मैं बीए सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए उनका दूसरा पेपर जो है CC4 हिस्ट्री ऑफ झारखंड 1857 टू 2000 इस पेपर को पढ़ना है। तो आज इस पेपर से आज मैं इसके यूनिट 1 के सेक्शन ए जिसमें हमें बिरसा मूवमेंट पढ़ना है, बिरसा मुंडा का विद्रोह या आंदोलन जो था उस पर हम आज विस्तृत तौर पर प्रकाश डालेंगे। इस विषय को मैं प्रारंभ करूं इससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण विषयों को अंकित करवाना चाहूंगा। सबसे पहले बिरसा प्रारंभ करने के पूर्व आपको ये जानना होगा कि बिरसा कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता, उनकी जो स्थिति थी वो कैसे आगे बढ़े, उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों को कैसे पार किया और विभिन्न स्थानों से शिक्षा ग्रहण करके वे आगे किस प्रकार आदिवासियों के भगवान यानी धरती आबा तक बन गए। उनके आंदोलनों की भी चर्चा करेंगे और आंदोलनों के क्रम में उसकी व्यापकता और अंततः उनका गिरफ्तारी, इसके पश्चात उनकी मृत्यु पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप कुछ महत्वपूर्ण चीजों को अंकित कर लेंगे कि बिरसा मुंडा का जो जन्म है वह 15 नवंबर 1875 को खूंटी के अड़की प्रखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था और इनकी माता का नाम कर्मी मुंडा था। प्रारंभ में मुंडा जनजाति में सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु आंदोलन चलाया गया, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार के शोषण के विरुद्ध इसे मुंडा विद्रोह या उलगुलान की संज्ञा दी गई। बिरसा मुंडा ने 1886 ईस्वी में पढ़ाई के लिए मिशन स्कूल चाईबासा गए, लेकिन मिशनरियों से नाखुश होकर 1890 में इनका बंदगांव आगमन हुआ, जहां वे आनंद पांडे के संपर्क में आए और उनके द्वारा उन्हें हिंदू के वैष्णव दर्शन की शिक्षा प्राप्त हुई। आनंद पांडे उनके आध्यात्मिक गुरु बने। तत्पश्चात खूंटी के बाद वे चलकत गांव में चले गए, जहां मुंडाओं के बीच व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। ठीक है, बिरसा को चलकत का मसीहा की भी संज्ञा दी गई है। बाद में अंग्रेज सरकार जमींदार मिशनरीज एवं दीकुओं के शोषण के विरुद्ध भी इन्होंने आवाज बुलंद की। 24 अगस्त 1895 को इनको चलकत से गिरफ्तार किया गया, लेकिन 30 नवंबर 1897 ईस्वी को इनको रिहाई मिल गई। पुनः गया मुंडा के सहयोग से बिरसा मुंडा ने बिरसा दल का गठन किया और एक तय शुदा कार्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने समस्त मिशनरीज पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। खूंटी की डोमरी पहाड़ी से छापा मार युद्ध का संचालन शुरू हुआ। 3 फरवरी 1900 को पश्चिम सिंहभूम के सेंतरा के जंगल से अपने ही साथियों के विश्वासघात के कारण ये इनके जो दो
प्रमुख साथी थे उनके नाम आपको याद रखना है, वीर सिंह महली और जगमोहन सिंह। इन दोनों साथियों ने अंग्रेजों के 500 रुपए के इनाम के लालच में इनको गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तारी के बाद 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजे के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें भगवान और धरती आबा अर्थात धरती के पिता की संज्ञा प्राप्त हुई। इनके विद्रोह के परिणाम स्वरूप हमने देखा कि 1908 में CNT एक्ट पारित किया गया, जिसमें गैर जनजातियों द्वारा जनजातीय भूमि की खरीद बिक्री पर रोक लगी। तो इन सब तत्वों को आपने पॉइंट आउट करके नोट कर लिया होगा। अब इसी का विस्तृत तौर पर हम आपके सामने इसके संपूर्ण कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए, बिरसा मुंडा के विद्रोह या बिरसा आंदोलन जो 1895 से लेकर लगभग 1900 तक चला, उस पर हम संक्षिप्त रूप से व्याख्या करेंगे। मुंडा विद्रोह उलगुलान के नाम से भी प्रचलित है। यह आंदोलन झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में सभी प्रकार के शोषण एवं अत्याचारों के विरुद्ध जनजातीय आक्रोश का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस क्षेत्र के आदिवासियों का ईसाईयत में धर्मांतरण, जमींदारों एवं ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा अत्याचार, उच्च भू राजस्व दर, ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा जमींदारों को जनजातीय शोषण के लिए प्रोत्साहन, भूमि अलगाव, मुंडा समाज में विक्टर, धार्मिक कुरीतियां आदि बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण कारणों में सम्मिलित थे। इसके परिणाम स्वरूप जनजातीय लोगों में तीव्र विक्षोभ एवं असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। बिरसा आंदोलन की पृष्ठभूमि सरदारी विद्रोह में निहित है। मुंडा सरदार जमींदारों से भू राजस्व दिए जाने के विरोध में लगातार 30 वर्षों तक लड़ते रहे, क्योंकि मुंडा सरदार स्वयं को भूमि का वास्तविक स्वामी मानते थे। मुंडा विद्रोह के प्रवर्तक बिरसा मुंडा थे। वे सुकला मुंडा के चौथे पुत्र थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिला के खोटी अनुमंडल के अड़की प्रखंड के उलिहातू नामक गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा का परिवार ईसाईयत में धर्मांतरित था, अर्थात उसके परिवार के लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था।
1886 ईस्वी में शिक्षा के लिए बिरसा मिशन स्कूल चाईबासा गए, लेकिन वहां की जीवन शैली में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए। हालांकि मिशनरी जनजाति शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही थी, लेकिन मुंडा सरदारों के प्रति अनुकूल रवैया न होने के कारण बिरसा मिशनरियों की तीव्र आलोचना करने लगे। 1890 में बिरसा चाईबासा को छोड़कर बंदगांव चले गए, जहां उनकी मुलाकात आनंद पांडे से हुई। आनंद पांडे वैष्णव थे और आगे चलकर वे बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु बने। बिरसा ने आनंद पांडे से हिंदू के वैष्णव दर्शन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। बाद में बिरसा मुंडा चलकद गांव पहुंचे। बिरसा मुंडा अपने समाज की कुरीतियों से अवगत हुए और आध्यात्मिक प्रवचन देना प्रारंभ किया। इन्होंने मुंडा जनजाति के लोगों को अहिंसा एवं पशु बलि के त्याग करने की शिक्षा दी। एक ही देवता अर्थात सूर्य देवता की उपासना का उपदेश इन्होंने दिया। बिरसा मुंडा ने एक नए धर्म का प्रारंभ किया, जो हिंदू एवं ईसाईयत का सम्मिश्रण था। ईसाईयत में धर्मांतरित कुछ मुंडा बिरसा से इतना अधिक प्रभावित हुए कि वे ईसाईयत को छोड़कर पुनः अपने धर्म में वापस लौट आए। बिरसा मुंडा ने समय के साथ ब्रिटिश शासन एवं जमींदारों के शोषण तथा ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध आवाज उठानी प्रारंभ कर दी। प्रारंभ में यह आंदोलन एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य मुंडा समाज में विद्यमान सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का उन्मूलन था। लेकिन आगे चलकर यह आंदोलन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करने लगा।
बिरसा मुंडा ब्रिटिश सरकार के अस्तित्व को ही नकारने लगे, फलस्वरूप बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी कर ली गई। लेकिन रानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर 1897 ईस्वी में बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया गया। बिरसा और उनके समर्थकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः आंदोलन शुरू कर दिया। अब इस आंदोलन में इनके प्रमुख सहयोगी गया मुंडा बने। आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है कि बिरसा आंदोलन के प्रमुख सेनापति कौन थे, तो आप ध्यान रखेंगे गया मुंडा जो थे वो बिरसा आंदोलन के या बिरसा मुंडा के प्रमुख सेनापति थे। ठीक है, आंदोलन के लिए बिरसा दल का गठन किया गया और बृहद स्तर पर 1899 में मिशनरी पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। ब्रिटिश सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी के लिए 500 रुपए के इनाम की घोषणा की। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पोरहट के घने जंगल में 3 फरवरी 1900 को उनके ही अपने साथियों, उन साथियों का नाम आप याद रखिएगा, उससे भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वीर सिंह महली और जगमोहन सिंह के विश्वासघात के कारण 3 फरवरी 1900 को हुई। जेल में बिरसा हैजे की चपेट में आ गए और हैजे के कारण 9 जून 1900 को बिरसा रांची की जेल में मृत्यु के आगोश में समा गए। ब्रिटिश शासन के प्रभुत्व की समाप्ति देकू जिसे हम बाहरी भी कहते हैं एवं शोषकों का इस क्षेत्र से निष्कासन और एक स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना बिरसा आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। मुंडा विद्रोह के प्रभाव के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर के राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक बदलाव लाए गए। जनजातियों के लिए नई भूमि व्यवस्था के अंतर्गत 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जिसे हम CNT एक्ट भी जानते हैं पारित किया गया, जिसमें जनजातीय भूमि का गैर जनजातियों के द्वारा खरीद बिक्री को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। बिरसा आंदोलन
अंततः समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक असंतोष का सूचक था। शोषण एवं अत्याचार तथा हताशा की स्थिति में मुंडा लोगों ने बिरसा को पैगंबर या संरक्षक के रूप में देखा। इस विद्रोह का प्रभाव इतना व्यापक था कि इससे सरकार की नींवें हिल गईं। आज भी यहां के लोगों का मानना है कि बिरसा मरे नहीं है और एक दिन अवश्य वे अपने लोगों की रक्षा के लिए अवतरित होंगे। रांची एवं आसपास के क्षेत्र के लोग अपने बच्चों को बहादुर बिरसा की कहानियां सुनाते हैं। बिरसा यहाँ के जनजातीय गीत एवं लोक कथाओं में किंवदंतियां बन गए हैं। मुंडा एवं अन्य जातियां बिरसा मुंडा को भगवान मानती है और भगवान बिरसा शब्द से संबोधित भी करती है। आज भी बिरसा के अनेक अनुयायी हैं जो बिरसायत कहलाते हैं। इस तरह से हमने बिरसा मुंडा और उनके आंदोलनों पर विस्तृत तौर पर प्रकाश डाला। हमें पूरी आशा है कि आपको यह विषय सहज एवं श्लाघ्य तरीके से समझ में आ गया होगा। हम आज अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस विषय से संबंधित कोई समस्याएं शेष नहीं होंगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई सवाल या आशंका है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में वो लिखकर भेज सकते हैं। हम यथाशीघ्र उसका निष्पादन करने का प्रयत्न करेंगे और हम अगले क्लास में फिर एक नए विषय के साथ आप सबों के सामने उपस्थित रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। इस मूल मंत्र के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इस टॉपिक को लिखते चले जाएं, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि यथाशीघ्र आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाए। इसलिए बेहतर होगा जैसे जैसे हम वीडियोस बना रहे हैं आप अपने कंसर्न टॉपिक पर अपना नोट्स तैयार रखें, ताकि कॉलेज खुलने पर जब एग्ज़ाम्स के डेट अनाउंस हो जाए तब आप उसको फाइनली रिव्यू कर सकें। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम आज आपसे अनुमति चाहेंगे। धन्यवाद।